गाइज अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर की कोई अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं आपको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आप एज एन फ्रेशर भी अप्लाई कर सके या फिर अगर आपके पास एक या दो साल का एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सके तो आज जो मैं आप सभी के लिए ओपनिंग लेकर के आई हूं ये एक्सिस बैंक में है और एक्सिस बैंक में इस वक्त काफी सारी ओपनिंग चल रही है ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए मिलेंगी लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी है तो ये अपॉर्च चुनिटी इंडिया की बहुत सारी लोकेशंस पर आई हैं आप सभी लोग यहां पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आज की इस खास वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी लोकेशंस पर है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है सैलरी आपको कितनी दी जा रही है सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी इस वीडियो में लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड और चलते हैं मेरी कम उर स्क्रीन पर टू फ्रेंड्स सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है डब्ल्यू 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 डॉट जॉब नाउ ट्वेंटी फोर सेवन डॉट इन और इंटरप्रेस करना है और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे गाइज तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जाएंगी जो कि सारी की सारी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है आपको बता दूँ कि मैंने नए चैनल पर एक अमेजोन की वैकेंसी भी पोस्ट करी है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और उसमें अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर देना क्योंकि वहाँ पर तकरीबन ढाई सौ के आसपास वैकेंसी है तो यहाँ पर चेकआउट कीजिए फ़र्स्ट वैकेंसी को आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने ओपन अप होकर के आ जाएगी वैसे आपको बता दू कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ये प्रोफाइल है जो कि एक लोकेशन पर नहीं बल्कि कई सारी लोकेशन पर इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग आई है और एक्सिस बैंक इस वेकेंसी में अभी इस वक्त हायर कर रहा है यह वेकेंसी फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन की यह वैकेंसी है और सैलरी जो है यहाँ पर डिस्कलोज नहीं की गई है जी हाँ दोस्तों क्योंकि सैलरी जो है आपको आप की लोकेशन के, के हिसाब से दी जाएगी और जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर दी जाएगी अब यहां पर देखिए एक्सिस बैंक के बारे में लिखा हुआ है और यहां पर यह भी बताया गया है कि एक्सिस बैंक इस वक्त ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिनका जो मोटिवेशन होता है वो हाई हो और जो गोल एंड ओरिएटेड हो बिजनेस डेवलपमेंट में काम करने के लिए तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं इस वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है कहीं आपको बता दू कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की प्रोफाइल पर आपको जो काम करना होगा ये रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर में मैं आपको पहले ही बता देती कि बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो कि सेल से रिलेटेड होती हैं अब अगर आपको सेल में इंटरेस्ट है तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ईजी तरीके से अपना करियर बना सकते हैं अगर नहीं है तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसीज भी आती हैं जिसमें आपको सेल्स नहीं करनी होती है तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगी तो इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बैंक के लिए न्यू कस्टमर को एक्वायर करना होगा जो कि बैंकिंग प्रोडक्ट सच सचेस्ट सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट क्रेडिट कार्ड एंड लोन मतलब कि आपको बैंक के जो प्रोडक्ट है सेविंग अकाउंट हुआ करंट अकाउंट हुआ क्रेडिट कार्ड हुआ लोन हुआ इन डिपार्टमेंट की सेल्स करनी होगी अब देखिए बैंक के पास कैसे पैसा आएगा बैंक इन्हीं सारे प्रोडक्ट से अपना पैसा कमाता है इन्हीं सारे प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमाता है ठीक है बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट टू प्रमोट एक्सिस बैंक सर्विसेज एंड ऑफिस ंग आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ जो है स्ट्रॉन्ग कम रिलेशनशिप बनाना होगा और अब एक्सिस बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी प्रमोट करना होगा आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड जनरेट लीड थ्रू फील्ड विजिट नेटवर्किंग एंड रेफरल आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुद से क्रिएट करनी होगी लीड खुद से क्रिएट करनी होगी विजिट करना होगा मार्केट में अपनी नेटवर्किंग से आपको लीड क्रिएट करनी होगी और रेफरल से भी ठीक है वर्क क्लोजली विद द सेल्स एंड मार्केटिंग टीम टू अचीव मंथली एंड क्वार्टरली टारगेट मंथली और क्वार्टरली टारगेट मार्केटिंग टीम के साथ सेल्स टीम के साथ आप अचीव करने होंगे कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड इंडस्ट्री ट्रेंड जो इंडस्ट्री में ट्रेंड आया है जो इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी और कस्टमर को भी आपको समझना होगा प्रोवाइड एक्सेलेंट कस्टमर सर्विसिंग इंश्योरिंग कस्टमर्स क्वायरीज एंड इश्यूज एंड रिजोल्व प्रॉप कस्टमर की क्वायरीज को सॉल्व करना होगा कस्टमर से रिलेशन अच्छा बनाना होगा और उनकी जितने भी डाउट क्वेश्चन हैं वो भी आपको इफेक्टिवली सॉल्व करने होंगे इंश्योर सेज विद बैंक पॉलिसीज एंड रेगुलेशन वायल कंडक्टिंग सेल्स एंड कस्टमर इंटरक्शन जब भी आप सेल्स कर रहे हैं या कस्टमर से बात कर रहे हैं तो जो भी कंप्लायसेज होते हैं बैंक के जो पॉलिसीज होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे और उनको उसके बारे में भी बताना होगा ठीक है आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में आपने कोई भी डिग्री हासिल की है फर्क नहीं पड़ता आप एज एन ग्रेजुएट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर आर welcome to apply no prior experience is required strong communication and interpersonal skills आपकी होनी चाहिए self motivated and result driven with passion for sales and business development आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए आपको सेल्स करनी है यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट का काम करना है तो आपकी एनर्जी भी फुल ऑन होनी चाहिए एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली एंड एज अ पार्ट ऑफ द टीम आपको अकेले भी काम करना होगा और जब टीम के साथ काम करने की बाहरी आएगी तो आपको उसमें भी काम करना होगा तो ये एबिलिटी भी होनी चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज एन एडवांटेज अगर आपके पास बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट की जानकारी है तो आपकी इस नौकरी में यह बहुत ज्यादा मदद कर सकता है ठीक है अब यहां पर सैलरी तो डिस्कलोज नहीं करी गई है लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको दिए जा रहे हैं करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आपको यहां पर मिल

पर वैकेंसी है इसके साथ साथ आप देखेंगे ब्रांच टेलर की वैकेंसी चंडीगढ़ में है ह्यूमन रिसोर्सेज एच की वैकेंसी मुंबई में है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तो आप देखेंगे जीरो टू वन ईयर का एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है ये टोकापाल की वैकेंसी है टोकापाल लोकेशन पर है ऐसी ही आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग प्रोफाइल की और अलग अलग स्टेट अलग अलग सिटीज की यहां पर देखने को मिलेगी अब आप जिस भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली उस को यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लीजिए और अप्लाई नाव का जो बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके ये जो सिंपल सा फॉर्म है जिसमें आपको अपना नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ई मेल आई डी कॉन्टेक्ट नंबर पिन कोड अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यस yes, नहीं है तो नो no, और अगर आप एल जी बी टी आई क्यू आई ए कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं तो येस yes कर दीजिए अदरवाइज़ नो करके अपना जेंडर सेलेक्ट करके सिटी सेलेक्ट करके अपना रिज्यूमे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी मैंशन कर दीजिए तो गाइज ये बहुत ही सिंपल है इस वैकेंसी में अप्लाई करना घर बैठे आप हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कीजिए अगर आपका रिज्यूमे एच आर को सूटेबल लगेगा तो आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा और आप फिर इंटरव्यू में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे सो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको ये एक और लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय